बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। मेरे दाई और हमारे बीच में हमारे कठुआ जिला के रहने वाले आदि गोस्वामी गौतम जी हमारे बीच में है। उनके साथ हमारे सहायक वेलफेयर ट्रस्ट के सारे मेंबर हरजिंदर जी, अनिल जी, रॉकी जी, बोपिल जी, सुमित जी, हम सब ने एक बीड़ा उठाया। यहाँ पर पहले चंडी माता का जागरण हुआ करता था, लेकिन हमने सोचा कि चंडी माता के जागरण के साथ साथ कुछ ऐसा किया जाए ताकि सनातन के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए और अपने धर्म के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। तो हमने ये बीड़ा उठाया कि इस बार हम हनुमान चालीसा का प्रचार करेंगे। 19 सितंबर को हमने ये पाठ शुरू किया था, 29 अक्टूबर को 40 दिन होंगे और इन 40 दिनों के अंदर हम 11,000 हनुमान चालीसा की पुस्तक बांटेंगे, गांव गांव जाकर बांटेंगे। जितनी भी यहाँ पर रामलीलाएँ हो रही हैं वहाँ जाकर हनुमान चालीसा बांटेंगे और ये आग्रह करेंगे कि हनुमान चालीसा को नित्य दिन रोज़ अपनी ज़िंदगी में उतारें, इसको पढ़ें। हनुमान चालीसा के पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं, जब आप ये पढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी हनुमान चालीसा से पढ़ने से बदल सकती है। हनुमान जी स्वयं अपने आप में एक बुद्धिमान और बहुत ही बलशाली व्यक्ति थे, और जबकि जो जिम वाले लोग हैं, कसरत वाले लोग हैं, वो भी हनुमान जी को फॉलो करते हैं। तो मोटी मोटी बात यह है कि हमने चाहा कि हनुमान चालीसा का प्रचार करेंगे। हमने ये संकल्प लिया कि 1,00,000 हनुमान चालीसा की किताबों को हम कठुआ शहर में बांटेंगे, लेकिन इस बार हमने 11,000 का लक्ष्य दिया है। इस हनुमान चालीसा का प्रचार करेंगे और हनुमान चालीसा की किताबें बांटेंगे और इन 40 दिनों के अंदर 26, 27 और 28 को राम कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्वामी जी राम कथा का आयोजन करेंगे। और 29 अक्टूबर को जहाँ जहाँ हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया होगा शहर गाँव में, वहाँ से सारी टोलियाँ हटली मोड़ में आकर एकत्रित होंगी और जो लक्ष्य है कम से कम 10,000 लोगों के साथ सामूहिक हनुमान चालीसा का यहाँ पर पाठ किया जाएगा और हनुमान जी की अद्भुत झांकियाँ यहाँ पर दिखाई जाएंगी और उसके बाद माँ चंडी का गुणगान होगा और माँ चंडी का जागरण किया जाएगा। और उस जागरण के दिन बहुत ही दो छोटे बालक हैं, बहुत ही भारत में फेमस हैं, वो जदुवंशी ब्रदर्स, वो यहाँ पर माता का गुणगान करेंगे, भगवान राम के भजन गाएंगे। और हम सारे मीडिया के माध्यम से पूरे कठुआ को आग्रह करते हैं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और 29 अक्टूबर को जो सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर किया जाएगा उसमें शामिल हो, ताकि सनातन क्या है, हनुमान चालीसा का जो सामूहिक पाठ है वो हिंदुत्व की शक्ति का एक प्रदर्शन हम यहाँ पर करेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से आग्रह करूँगा कि आप सब लोग 29 अक्टूबर रात्रि 9 बजे यहाँ पहुँच कर माँ माई का गुणगान करें और सामूहिक हनुमान चालीसा में हिस्सा लें।